आज हम बनाएंगे बैगन भाजा। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बैगन को ऐसे गोल गोल टुकड़ों में काट लिया है। फिर उसके बाद उसमें स्वाद अनुसार नमक डालेंगे, हल्दी पाउडर डालेंगे, कश्मीरी रेड चिली पाउडर डालेंगे और किचन किंग मसाला पाउडर डालेंगे। फिर हाथों से अच्छी तरह मिक्स करेंगे। अच्छी तरह मिक्स कर लेने के बाद 10 मिनट ढक कर रख देंगे। 10 मिनट हो गए हैं, बैगन मसालों के साथ अच्छी तरह मिक्स हो गए हैं। अब इसे फ्राई कर लेंगे। अब एक फ्राइंग पैन लेंगे और उसमें सरसों का तेल डालेंगे, लगभग 3 से 4 बड़े चम्मच। बैगन फ्राई करने के लिए सरसों का तेल ही इस्तेमाल कीजिएगा। सरसों तेल से बैगन भाजा का स्वाद 10 गुना बढ़ जाता है। तेल जब अच्छी तरह एकदम गर्म हो जाए तब गैस का फ्लेम मीडियम टू हाई कर देंगे और एक एक करके बैगन डाल देंगे। सारे बैगन को डाल दिए। अब मीडियम फ्लेम पर इसे पलट पलट कर दोनों साइड अच्छी तरह फ्राई कर लेंगे। दोनों साइड से अच्छी तरह पलट पलट कर बैगन को फ्राई कर लिए। बनकर रेडी हो गई हमारी बैगन भाजा की रेसिपी। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगती हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।